भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद हम ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सन माउंट को चेक कर लें, तो सन माउंट के ऊपर में क्लियर कट हमें क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा है, और जब भी सन लाइन को कोई भी रेखा काटती है तो उस कंडीशन में ना जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना जॉब में स्टेबिलिटी आती है, ना किसी के अंडर में रह करके सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इस कंडीशन में जॉब आप जैसे जातकों के लिए फ्रूटफुल होता ही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस नहीं मिल पाता है, आप जैसे जातकों का मेहनत कोई और ही लेकर के चल जाता है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब भी करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके चलना पड़ेगा और दब करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सन माउंट का क्रॉस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जितना भी मेहनत है, आपका जितना भी एफर्ट्स है, वो सब किसी और के दायरे में जाएगा, किसी और को चल जाएगा, जिसके कारण आपको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब की ही हम बात ले लें, तो यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है, इस तरह की लक लाइन वाले ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सन लाइन का स्ट्रॉन्ग होना, सूर्य का मजबूत होना ज़रूरी है, तब जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर इंटरव्यू क्रैक करना या फिर एक तरीके का लक या वेलफेयर के रिगार्डिंग किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, वो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। और सन माउंट के नीचे में जब मल्टीपल लाइंस आ जाती है तो इस कंडीशन में फोकस में भी ये बहुत कमी देता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण एक समय पर एक से ज़्यादा कामों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते, फोकस में कमी होती है, बार बार काम में अड़चन बाधा रुकावट देरी देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीपल टास्क करने के कारण हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है और बेफिजूल की भागदौड़ी बढ़ती है। जैसे ये तीन मुखी नीचे से है तो इस कंडीशन में आपके पास पैसा भी आएगा तो एटलीस्ट तीन माध्यम से अलग अलग खर्च पहले से ही निर्धारित रहेंगे आपके, जिसके कारण आपका पैसा भी जाएगा। तो इस कंडीशन में जॉब फ्रूटफुल होता ही नहीं। बिजनेस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मर्करी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आप जितना ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे या लोगों को डायरेक्टली कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा आपका खुद का वेलफेयर नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा। यानी आपका उद्धार सर्वप्रथम खुद के लिए है, खुद के काम से आपका उद्धार है, ना कि किसी और के लिए काम करने से। तो मरकरी के ऊपर में जब भी मल्टीपल लाइंस आती है तो ये व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट या एक जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी है वो बिल्ड अच्छा करता है। दूसरी बात, जब ये डेवलप होती है तो मार्केटिंग सेंस नॉलेज बहुत जल्दी डेवलप होता है, ग्रेसपिंग स्किल, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कैपेबिलिटी और अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी अच्छी देता है। बस कंडीशन ये रहती है कि वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज अपने लिए यूटिलाइज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्क में वो उसका यूटिलाइजेशन अच्छा रहेगा। इसलिए इस कंडीशन में बिजनेस करना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और माइंड लाइन भी आपकी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, स्ट्रेट माइंड लाइन फोकस खासकर सॉल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी देती है। तो आप बिजनेस लाइन में जाएंगे तो लोगों को समाधान कर कर के देंगे, जिसके कारण लोग आपसे परमानेंटली जुड़ने वाले रहेंगे और ये इन सब चीज़ों के कारण फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आ रही है जो फ्रेंडली नेचर देता है। बहुत मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है, सरलता से दूसरों के साथ उठ बैठ लेते हैं, किसी माहौल में ढलना हो तो ढल जाएंगे या माहौल को अपने अनुसार ढालना हो तो ढाल लेंगे। लंबे मधुर रिश्ते निभाने की भरपूर युति इस तरह की सीधी खड़ी रेखा देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पाम में पॉजिटिव साइन बनना शुरू हो रहा है, खासकर माइंड लाइन के द्वारा। कैसे? जैसे कि माइंड लाइन से ही रेखा ऊपर की तरफ गई, जो बिजनेस के रिगार्डिंग इंटरेस्ट आपको दे रही है। इसी के जस्ट ऊपर में एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बना, फिर एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसे विंडो सिंबल कहते हैं। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है खासकर मंगल पे बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होना, घर के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन या घर बनने जैसे योग निर्मित होने लगना, किसी भी तरह के नए जगह पर प्लेसमेंट हो जाना या नए जगह से अपने जीवन शैली की शुरुआत करना, क्योंकि बिजनेस भी आप करेंगे तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं रेंटल वर्क करना पड़ेगा या रेंट पे मकान को, रूम को लेना पड़ेगा। वो चीज़ करने से जो फ़ायदा मिलेगा वो उसको ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और सबसे मेन फ़ायदा इसमें ये रहेगा कि जैसे ही आप 44 के एज तक आएंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी आपके नाम से डेवलप होना या आपके नाम से लेना, कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक फ़ायदा और है कि जब मून लक लाइन होती है, भले ही वो बिखरी हुई हो, कमज़ोर हो, लेकिन बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण बहुत ज़्यादा समृद्धि विकास होता है। और अब आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन निकल रहा है कि अब आप बैठने वाले लोगों में से नहीं रहे, अब आप अपने द्वारा एफर्ट लगाएंगे और उस एफर्ट में आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये रेखा जब भी जागृत होती है
तो अपना मेहनत कर्म या प्रयत्न प्रयास बेकार बिल्कुल नहीं जाता। ये समय है आपके जीवन में 38 एंड 39 के मिड में और सेकंड वन लाइन 44 के एज में आ रही है। तो इन दोनों पीरियड में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लग्जरीज कंफर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया कि प्रॉपर्टी के योग इस पीरियड में आपके बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है, एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया है जो आपके नाम की प्रॉपर्टी या बहुत बड़े लेवल का व्यापार, व्यवसाय या काम या ऐसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी आपकी लाइफ में ला करके देगा, जिसके बिहाफ पर आपकी पूरी लाइफ फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इकोनॉमिकली, फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। ट्रैवलिंग्स भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं, क्या करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका पाम स्क्वेयरिश हैंड में है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटते चाहे शारीरिक हो या मानसिक। और अर्थ एलिमेंट के हैंड वाले जातक बहुत अच्छा पैसा किसी भी विषय को लेकर के बनाते हैं यानी कमाते हैं। अब यहाँ पर सबसे एक्टिव जोन या डेवलप जोन है आपका शुक्र, और शुक्र माउंट जब बहुत हाईली डेवलप होता है तो उस कंडीशन में शुक्र से रिलेटेड चीज़ें, खासकर क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या किसी भी तरह का साज श्रृंगार कला, इन सब के रिगार्डिंग बिजनेस करना, सर्विसेज देना अच्छा माना जाता है। चंद्र डेवलप है तो इस कंडीशन में अपने क्रिएटिविटी, आर्ट के कारण आप कोई भी काम में यूनिकनेस लेकर के आएंगे और उस यूनिकनेस के कारण आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक टेके रहेंगे या बहुत जल्दी कॉम्पिटिशन जो आपके रहेंगे उसको लूज़ कर पाएंगे। आउटर मार्स भी डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आप एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट भी वर्क कर सकते हैं, खासकर प्रॉपर्टी लाइन के रिगार्डिंग भी। लेकिन मेनली लाभ जो देता है वो मेंटल स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग देता है, जिसके तहत मेंटली प्रेशर, डिस्टर्ब या विपरीत परिस्थिति लोगों का सामना करते समय डरते हिचकिचाते नहीं हैं, और विपरीत परिस्थिति का सामना करने के कारण ही यह कॉम्बिनेशन आपको हमेशा स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में विजय प्राप्त करवा करके देगा। मर्करी माउंट भी आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप मार्केटिंग, सेल्स, मल्टीपल वर्क मैनेजमेंट्स, इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग, किसी भी तरह का इंटरनेट से रिलेटेड काम हो गया, डेवलपमेंट यानी वेब डेवलपमेंट, आईटी से रिलेटेड वर्क हो गया, इसके अलावा लेखन कार्य से रिलेटेड, स्टेशनरी से भी रिलेटेड वर्क हो गया, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इन सबसे कहीं गुना ज़्यादा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप शुक्र के साथ में जाइए, क्योंकि आपके दोनों हथेली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और मून लक लाइन जब अवेलेबल होती है तो जितना फ़ायदा दूसरों को पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा भाग्य भी बलवान होता है और उससे कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदा इन रिटर्न होकर के आता है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को दर्शाती है। शॉर्ट फिंगर में एक इंडिपेंडेंट नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि आप जिससे जातक अपने अनुसार काम करने वाले में से होते हैं। ये ज़रूरी है कि आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो आपका प्रेजेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान है कि वर्तमान स्थिति पर क्या किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ भी काम शुरू कर दीजिए वर्तमान में, क्योंकि आपका लक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हर विषय को लेकर के। वो सभी के सभी काम आगे चल करके आपको सोना बनने वाला है, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर अब आ रहा है इसमें आपको जो भी डिज़ायर, एम्बिशन, इंटरेस्ट आए, क्योंकि मून लक लाइन में मन मुताबिक काम करना चाहिए, तो अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करके आप वर्क कर लीजिए या शुक्र से रिलेटेड वर्क कर लीजिए, आपको बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस होने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन मर्करी माउंट डेवलप है तो इसकी कमी को ये ख़त्म कर देगा, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर है और होता जाएगा। बस ये रहेगा कि आगे से बातचीत करने में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट आ सकती है, लेकिन एक बार किसी से कन्वर्सेशन हो गया, बातचीत के साथ में मेल मिलाप अच्छा हो गया, तो वो रिश्ता फिर लंबा आपका टिक जाएगा, चल जाएगा। आपको बहुत सारे लाभ आपके रिलेशन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मिलने वाले हैं, इसीलिए हल्का सा फिश सिंबल या बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आपके सन माउंट से होते हुए मरकरी पे जा रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि बच्चों से भी लाभ मिलेगा, रईसी भी जीवन में आएगी, क्योंकि यह यशस्वी योग का निर्माण करता है। तो यश, वैभव, कीर्ति आती है किन लोगों से? अपने लोगों से या उन सभी से जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी मेनली कम्युनिकेशन को दर्शाता है। इसीलिए आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बहुत सारे काम आपके नाम या पहचान के बलबूते पर होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड देखने को नहीं मिलेगा। फिंगर के नोड्स डेवलप ठीक हो रहे हैं, जिसके कारण आपके अंदर स्पष्टवादिता आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जो सूर्य पे मल्टीपल लाइन्स हैं ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन देगी अपने काम के रिगार्डिंग, इसलिए आपको
दूसरों के अनुसार या दूसरों से प्रेरित होकर काम नहीं करना है, जिसके तहत आपकी ऊर्जा का नाश ना हो, बेफिजूल की भागा दौड़ी ना हो और एक काम में लिप्त होकर के कंटिन्यू अगर वो काम कर गए तो फिलहाल में क्रॉस का जो साइन है ये फिश साइन में या बायफोर्क के साइन में तब्दील हो सकता है। और जब ये हो जाएगा बायफोर्क में या किसी भी तरह के पॉजिटिव साइन में, तो आपका गुडविल, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा यह क्रिएट करके देगा। फैलेंजर्स और आपका इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये अच्छा करता है। शुक्र माउंट डेवलप होने के कारण यह कॉम्बिनेशन लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है, क्योंकि ये संजीवनी का कारक है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कंडीशन में अच्छी पाई जाती है और सारे शौक हरमान अपने जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाते हैं। थंब का सही शॉट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन एक्शंस लेने की आदत देता है। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होने के कारण बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो सभी नेगेटिव सिचुएशन से कर लेते हैं। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखाएं आपको विल पावर अच्छा देगी और आड़ी रेखाएं आपको बेफिजूल का चिंतन मनन देगी। बेफिजूल की चिंताओं से मुक्त होना जरूरी है और यव का साइन डेवलप हो रहा है तो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में इंक्रीज डेफिनेटली होने वाला रहेगा। किसी का भी फॉलोवर बनने से बचें, अपने अनुसार काम करने से ही समृद्धि विकास आपके जीवन में ज़्यादा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार बनाती है। आप जैसे ज्यादातर किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते, खुद से जितना बन सकता है दूसरों को आगे से लेकर के सहयोग देते हुए पाए जाएंगे। सोशल वर्क में इंगेज होना या सोसाइटी में एक अच्छा सम्मान, रुतबा या पद मिलने की योग यह देता है। बच्चे बहुत लायक, संस्कारी होते हैं, एनिमल लवर देखने को मिलते हैं, सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, खान पान, व्यक्तित्व देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर अभी आपके पॉजिटिव साइन आने शुरू हो रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर का साइन बहुत स्ट्रांगली बन सकता है, प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है और आप अपने नॉलेज, विजडम और ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने के कारण बहुत सारे सही काम अपने जीवन में करेंगे या सफलता अपने डिसीजन से पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप दान धर्म, पूजा पाठ करेंगे या नॉलेज को इन्हेंस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ स्टाइल आने वाली पीढ़ियों को लाभ, यानी बच्चों को खासकर, घर में सुख सुविधा, संसाधन, सोसाइटी में स्टेटस, पद सम्मान, ये सब कुछ निश्चित रूप से बढ़ सकेगा। इसके बाद में जब भी शनि के द्वारा इस तरीके के स्क्वायर का साइन बनता है या बायफोर्क के द्वारा फिश सिंबल बनता है तो ये कॉम्बिनेशन तमाम तरह के घटना, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट से बचाता है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगा आपको, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत भी देगा और हार्ट लाइन का इतने स्ट्रॉन्गली जुपिटर से कनेक्शन बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो दूसरों की कहानी सुनते से ही रो देंगे, यानी पर्दे पर कोई पिक्चर चल रही है उसमें इतनी भावना जुड़ जाएगी कि वहाँ पर भी रोना निकल जाएगा, यानी दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। इसलिए आपसे जुड़े लोग आपसे बहुत फ़ायदा ले सकेंगे और इन रिटर्न आपको भी उनसे बहुत ज़्यादा लव, केयर या फ़ायदा देखने को मिलेगा आपके भाग्य के द्वारा। ईमानदार और साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी आपका रहेगा। शनि की स्थिति में अच्छी बात यह हो गई कि शनि से एक ऊपर की तरफ से रेखा भी आ रही है और बायफोर्क के साथ शनि की रेखा आगे बढ़ने के साथ में हल्की सी बायफोर्क ये भी हो रही है। इस तरीके का शनि एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा अथवा खर्चा भी देता है, लेकिन इसका नियम है अधिक खर्च अधिक आय। इसीलिए आप अपने लग्जरीज कंफर्ट में अब आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। अपने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन में भी किसी तरीके का चूक या कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जितनी हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे उतना ज़्यादा ये सैटर्न आपको बल, ऊर्जा देंगे ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें। इसलिए आपकी सारी इच्छा, मनोकामनाएं निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगी। और जीवन में अगर हम देखें लक के हिसाब से तो आपका लक लाइन जो डिस्टर्ब होना शुरू हुआ था वो समय था अराउंड 33 का, और 33 से 35 के मिड में एक राहु रेखा ने आपको धन हानि भी दिया। अब इसके बाद में अभी का जो पीरियड चल रहा है यानी 38 तक का, उसमें लक लाइन में कोई बल है ही नहीं, जिसके कारण अभी पिछले कम से कम 3.5 से 4 साल में आपने बहुत सारे कोशिशें की, मेहनत करने की, लगातार कर्म करने की, अपने इच्छा को पूर्ण करने की, लेकिन उन सब में भाग्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया। भाग्य जब भी कमज़ोर पड़ता है तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि फिजिकल एफर्ट्स या वर्क या कर्म हो ही नहीं पाता है उस हिसाब से जिसमें सफलता हासिल हो। लेकिन 38 के बाद में हो ये रहा है कि आपकी जो लक लाइन है वो बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है और शनि से प्रॉपरली जुड़ने के कारण कोई भी इच्छा, मनोकामना या कर्म आधा अधूरा नहीं रह जाता। इसमें सबसे मेन भूमिका निभाएगी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन, इसीलिए आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से इनिशिएशन हर विषय को लेकर के लेना है,
फिर बाद में जाकर के दूसरे लोगों का सपोर्ट आएगा। और इस तरीके का स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन आपके मार्स और सन को जोड़ रहा है, सैटर्न यानी लक लाइन को भी जोड़ रहा है, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपके तकरीबन 2024 में एंड तक आते आते कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग बनने लगेगी, या कंस्ट्रक्शन के योग बनने लगेंगे, या किसी भी तौर तरीके से आपके जीवन में संपत्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो शुरू होगा ये तकरीबन आपको 48 केस तक आते आते लाभ देगा, यानी अभी आपके पास तकरीबन 9 से 10 साल का समय है जिसमें आप बहुत संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। इसीलिए आप सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सन माउंट के ऊपर फिलहाल में क्रॉस है, तो बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस का एक्सपेक्टेशन ना रखें, जितना हो सके गुप्त रूप से निर्णय ले काम करें। एक बार जब सब चीज़ स्थापित हो जाए यानी बिजनेस, तब जा कर के आप उसको हर जगह शो करें, अन्यथा आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये सब बिल्कुल गुप्त रह करके आपको करना है। इसके बाद में आपके जो सूर्य पे बायफोर का साइन ऊपर आ रहा है, ये आपको एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा, सम्मान अथवा अनंत लोगों से लाभ दे देने वाला रहेगा। इसलिए अपने कॉन्टेक्ट रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, जिसके कारण आप कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए आप अपने स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए, अपने पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट करिए, बोली में मिठास लेकर के आना और एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर को इनक्रीज़ करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना, ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि एक बार कोई आपसे जुड़ेगा, मिलेगा, तो वो हमेशा आपका हो जाएगा। और इस तरीके का मरकरी सबसे ज़्यादा लाभ घर के बाहर देता है, इसलिए आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। हृदयरेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, और इस कंडीशन में जब हार्ट लाइन के ऊपर, जैसे ये यूनियन लाइन, मैरिज लाइन है, ये एकदम सीधे है, तो पार्टनर से एक तरीके से अटैचमेंट भी अच्छा रहता है और वहाँ से इन रिटर्न रिस्पेक्ट या डिवोशन भी अच्छा देखने को मिलता है। आपकी हार्ट लाइन में कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, तो आपको इस कंडीशन में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, अपने रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना। इमोशनल ट्रबल होने के चांसेस हैं आपके 46 के बाद से, तो वो चीज़ ना हो इसलिए इमोशनल डिपेंडेंट कहीं भी नहीं होना है। आपकी हार्ट लाइन फेल करके चली है अराउंड 27 से लेकर के 36 के एज तक, बहुत इमोशनल ट्रबल या बहुत सारी बातों को आपने मन के अंदर ही इस पीरियड में दबाए रखा है। इन सारी बातों को मन में दबाने के बजाय जैसे आपका थंब शॉर्ट है, तो सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि रात गई बाद गई और पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ना, जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ना, यह आप अपने अंदर रख ही लीजिए, क्योंकि एट द एंड आप दूसरों को माफ़ ही करेंगे, बदले की भावना आपके अंदर ज़्यादा आने नहीं वाली है। इसमें से एक रेखा मंगल की तरफ झुकी थी जो एग्रेसिव बनाती है, लेकिन ये रेखा अब कमज़ोर हो रही है, इसलिए इसका नेगेटिविटी अब नहीं आएगा। अब ये रहेगा कि आपके द्वारा एक तरीके से निस्वार्थ भाव से बहुत ज़्यादा सेवा दूसरों के लिए जाएगा, और यही आपका व्यक्तित्व के कारण आपके पुण्य बहुत है, और उस पुण्य का लाभ आपको आपके बच्चों के द्वारा देखने को मिलेगा, और बच्चों की समृद्धि आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है। मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी डिपेंडेंट थी अराउंड 22 तक, जिसके तात्पर्य होता है कि तब तक फैमिली पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, पूछ पूछ के काम करने की आदत इस कारण से बहुत लंबी होती है। मानसिक तनाव की स्थिति आपको 21 में, 24 में और उसके बाद बेफिजूल की भागा दौड़ी या तनाव 32 से 34 के बीच में, और एक और आया था तकरीबन यही 36 की उम्र में। अब आगे चल के उस तरह की नकारात्मक स्थिति नहीं आएगी, हमेशा मस्तिष्क का थोड़ा फेल की ही चला है, जिसके कारण आपके अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत सारे रहे हैं, जिसके कारण सटीक निर्णय आप ले नहीं पाए हैं। लेकिन अभी जो रेखा एकाएक निकली है बुध की तरफ, ये व्यापारिक गुण और व्यापार के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। ये समय आपके जीवन में 35 में रहा है, और जैसे 37 की अगर उम्र है, तो यानी 2021 के आसपास से ही व्यापार के प्रति रुझान ध्यान आपको बहुत आने लगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भी ध्यान जाएगा। मस्तिष्क थोड़ी अभी भी बिखरी हुई है, इसीलिए सिर्फ फोकस अच्छे ढंग से करना और हर चीज़ को पर्याप्त समय देना ज़रूरी है, जैसे फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स, अपना काम और खुद के लिए भी, तो जाकर के आपके माइंड लाइन की स्थिति अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपके अंदर पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। और माइंड लाइन थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़ रही है, तो आप अपने नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को अभी बढ़ाएंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में तकरीबन 4 दफ़ा राहु रेखा ने काटा है, और जब जब ये काटती है तब तक वो समय खराब बीतता, चिंता ज़्यादा होती है, घरेलू और स्वास्थ्य हानि जैसे योग देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके केस में रहा ये कि हमेशा से सपोर्टिव लाइन, जिसे हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये एक्टिव रहा, जिसके कारण ये रेखाओं ने ज़्यादा परेशान तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत भागा दौड़ी ये सब आपके जीवन में लाई। 36
33, 27 और 22, इन सभी उम्र में ज़्यादा कष्ट था। और अभी एक और थोड़ा तनाव एक तरीके से परिवार से 38 के उम्र के आसपास में आ सकता है, लेकिन वो तनाव कहीं ना कहीं उधार लेकर के जाएगा। तो आपको जो अपने करियर को लेकर के तनाव है, यही तनाव आपके जीवन में आपके एफर्ट लक को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर बायफोर्क का जब साइन आता है जीवन रेखा के अंत में, तो यात्राएं का सुख बढ़ता है। फिश सिंबल का जब साइन डेवलप होने लगता है तो मोक्ष मुक्ति सडन गेन होने के योग बनते हैं। और बाहर की तरफ रेखा झुकने यानी जन्म स्थान से दूर काम बढ़ना और इन्वेस्टमेंट्स होने के योग बढ़ते हैं। कोई नकारात्मक चिन्ह शुक्र के द्वारा नहीं आ रहा जीवन रेखा पे। पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिला, वैसे ही बच्चों का या दूसरे का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ओवरथिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग से दूर हटेंगे तो शुक्र की स्थिति और अच्छी होगी, जिसके कारण प्लेजर फुलफिलमेंट कंफर्ट लग्जरीज रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन होगा। इस तरीके का शुक्र रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। कभी भी दूसरों के साथ बाहर जाएंगे, चाहे वो पिकनिक हो गया या डिनर हो गया या लंच हो गया, तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा खर्च करने के लिए, क्योंकि ये रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है। हाइजीन अच्छा मेंटेन करते हुए भी पाए जाते हैं। दूसरों को खुशी प्रदान करते हुए देखने को मिलते हैं, दूसरों की सराहना करते हुए पाए जाते हैं। तो ये सब शुक्र क्या है ना, कि इस तरीके का शुक्र ग्रेटिट्यूड लेकर के आता है नेचर में, और उस ग्रेटिट्यूड के कारण बहुत सारी पॉजिटिविटी एक तरीके से प्रकृति के द्वारा मिलती है। पॉजिटिविटी में यही मटेरियलिज्म बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आपका नेक्स्ट ईयर से मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके बाद में मणिबंध की रेखा मजबूत है, तो अपनी जिम्मेदारियों को अगर आपने एक तरीके से एक समय पर एक काम लेना शुरू किया, फोकस अपना बढ़ाया, तो आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकेंगे। और चंद्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा कई मरतबा एंजाइटी देती है, मन के अंदर जैसे विचलन होना, बेफिजूल का चिंतन मनन होना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। इसलिए इस कंडीशन में हमेशा वॉक पर जाना चाहिए, ट्रैवलिंग दूर की थोड़ी करनी चाहिए। ये सभी चीज़ आपके जीवन में मन को भी शांत रखेगी और सुकून शांति संपन्नता लेकर के आएगी। चांदी का चेन या छल्ला या कड़ा जरूर आपको धारण, जो आपको ठीक लगे वो करना चाहिए, या आपको मन को स्थिर रखेगा। इरिटेशन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और बेफिजूल का चिंतन मनन हटाएगा। मनी ट्रायंगल पाम में स्ट्रांग नहीं है, इसलिए लाख रुपए भी हो जेब में शाम तक कहाँ जाएगा नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि मनी का लीकेज है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर ही ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए फ्रूटफुल है, और बहुत अच्छा समय आपका नेक्स्ट ईयर अप्रैल से आने वाला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ रूप से देख सकेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो फिर बाहर की तरफ ही झुक रहा है, तो यात्राओं का सौभाग्य बढ़ाता है ये। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी अराउंड 24-5 तक तो कोई ग्रोथ लाइफ में थी ही नहीं, सब अपने फैमिली या दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ रहा था। लेकिन अभी शनि की स्थिति और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है, तो धन भी और सम्मान के साथ समृद्धि भी आपके जीवन में बढ़ने वाला है। और मानसिक शांति सुख बढ़ाने के लिए रेगुलर बेस प्राणायाम करें, खुद के साथ समय बिताएं, अपनी इंटरेस्ट पैशन हॉबी को फॉलो करें और हर चीज़ को पर्याप्त मात्रा में समय दें। जल्दबाजी हड़बड़ी जैसी चीज़ों से दूर रहें तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। बाकी कोई कष्ट परेशानी आने वाले 4-5 साल तक बिल्कुल भी नहीं है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।